नेक्स्ट गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेकोमा के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट हम जंप करते हैं सरफेस इन्फेक्शन ट्रेकोमा के बारे में। व्हाट इज ट्रेकोमा? ट्रेकोमा को हम और क्या बोल सकते हैं? ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस। इट मींस रिलेटेड टू योर आईज। अदर नेम क्या है इसका? ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस। ओके, कंजक्टिवाइटिस का मतलब आपको पता होगा, कंजक्टाइवा में क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन एंड द इन्फेक्शन। सो गाइस इट इज वेरी सीरियस एंड कंटाजियस इन्फेक्शन। कंटाजियस का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन ये फैल सकता है। इट इज वेरी सीरियस एंड कंटाजियस इन्फेक्शन ऑफ द आईज। नेक्स्ट थिंग आती है कि ये मेनली आईज के कौन से पार्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपको पता है आईज के अंदर भी बहुत सारी हमारी लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्क्लेरा, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, देन आईरिस, आईलिड्स होती हैं, रेटिना होता है। सो मेनली ये किसको करता है? कंजक्टाइवा एंड द कॉर्निया ऑफ द आई। मेनली अफेक्ट द कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई। ओके, नेक्स्ट आता है मेनली ये कहां पे देखने को मिलता है। सो गाइस अनसैनिटरी सराउंडिंग्स कंडीशंस में ये देखने को मिल सकता है। मेनली प्रेवलेंट इन अनसैनिटरी सराउंडिंग कंडीशंस। अब बात आती है इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। सो गाइस इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 4 to 10 days के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 days। सो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? अनदर नेम क्या हो सकता है इसका? ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस। सेकेंड थिंग, इट इज वेरी सीरियस एंड द कॉन्टाजियस इन्फेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। मेनली अफेक्ट द कौन कौन सी लेयर को अफेक्ट करता है? कंजक्टाइवा एंड द स्क्लेरा, सॉरी कॉर्निया ऑफ द आई। मेनली प्रिवलेंट इन द अनसैनिटरी कंडीशंस, या फिर आप बोल सकते हो कोई आईज को क्लीन नहीं रखता, सैनिटरी अच्छे से यूज नहीं करता। और इनक्यूबेशन पीरियड में क्या है इसका? 4 to 10 days में ये देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट वन आता है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। कौन सा एजेंट है जिसकी वजह से ये फैलता है? सो उसका नाम है क्लाइमेडिया ट्रेकोमैटिस। कॉजिटिव एजेंट, क्या नाम बताया मैंने? सॉरी, क्लाइमेडिया ट्रेकोमैटिस। नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे फैल सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो गाइज इट इज मेनली स्प्रेड बाई, इट इज स्प्रेड बाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्टाजियस है, पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। सो सबसे पहले क्या आएगा? पर्सनल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है? कोई क्या कर रहा है? शेक हैंड कर रहा है, सो उसकी वजह से ये फैल सकता है। शेकिंग ऑफ हैंड्स, ओके, शेक हैंड की वजह से फैल सकता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से कैसे होगा? थ्रू यूजिंग कॉमन टॉवल्स, कोई कॉमन टॉवल यूज कर रहा है और इन्फेक्टेड कंजक्टिवाइटिस वाले बंदे ने क्या किया? दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको फैला दिया। तो सेकेंड थिंग क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंडीशन में क्या बताया मैंने आपको? यूजिंग ऑफ कॉमन टॉवल। एंड गाइस थर्ड थिंग आती है इसकी, थ्रू द फ्लाइज। थर्ड थिंग इज द थ्रू फ्लाइज की वजह से ये फैल सकता है। सो ये क्या था इसका? कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्लाइमेडिया ट्रेकोमैटिस। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मेनली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप याद रख सकते हो, पर्सन टू पर्सन शेक हैंड की वजह से फैल सकता है, या फिर कॉमन टॉवल यूज कर रहे हैं तब ये फैल सकता है। नाउ कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्रेकोमा।
नाउ कम्स ऑन द साइन एंड सिम्टम, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे ट्रेकोमा के अंदर, साइन एंड सिम्टम्स। सो गाइस, साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या रहेगा, मैंने आपको बताया दो लेयर इसमें इफेक्टिव रहते हैं, कौन कौन से, कंजक्टाइवा एंड द कॉर्निया। सो सबसे पहले आएगा वहां पे क्लाउडी कॉर्निया, क्लाउडी कॉर्निया, धुंधला धुंधला सा उसको दिखेगा। सेकंड थिंग आता है डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, कंटिन्यूसली उसकी आईज से कोई ना कोई डिस्चार्ज चल रहा रहेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम आईज। थर्ड थिंग आती है स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स अराउंड द ईयर्स, ईयर्स के अराउंड में जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो क्या हो सकती है, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, सोलन लिम्फ नोड्स अराउंड ईयर। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है सोलन आईलिड्स, जो उसकी आईलिड्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और जो सिम्टम है उसके 5 to 10 days टू अपियर आफ्टर द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद 5 to 12 days के अंदर साइन एंड सिम्टम ये सारे देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग इन द आईलिड्स, और आप बोल सकते हो वहां पे टर्निंग ऑफ आईलिड्स भी देखने को मिलेगा, टर्निंग ऑफ आईलिड्स। और ये जो सारे साइन एंड सिम्टम हैं ये कितने दिन के अंदर आफ्टर इन्फेक्शन, लाइक इन्फेक्शन हो गया बट एकदम से साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, ये आप सबको भी पता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है ऐसा नहीं कि आज इन्फेक्शन हुआ और आज ही आपको साइन एंड सिम्टम आ जाए, नो, कई बार क्या होता है टाइम लगता है। सो इसके लिए कितना टाइम लगेगा, 5 to 12 days आफ्टर आफ्टर ट्रेकोमा या फिर आफ्टर ट्रेकोमा इन्फेक्शन। सो ये क्या थे इसके साइन एंड सिम्टम, क्लाउडी कॉर्निया, डिस्चार्ज फ्रॉम आई, सोलन लिम्फ नोड अराउंड द ईयर्स, स्वेलिंग इन द आईलिड्स, टर्निंग ऑफ द आईलिड्स, और ये कितने दिन के अंदर देखने को मिलेंगे, 5 to 12 days आफ्टर इन्फेक्शन। नाउ कम्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्रेकोमा, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो गाइज, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रेकोमा इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ ट्रेकोमा केसेस। सेकेंड थिंग, जितने भी स्कूल्स हैं इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे क्या होना चाहिए, केयरफुली एग्जामिनेशन होना चाहिए इन स्कूल एंड इंस्टीट्यूट्स, प्रॉपर एग्जामिनेशन। ओके, थर्ड थिंग आती है एनी आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था टॉवल, वो क्या करना है, यूज नहीं करना है अदर हेल्दी पर्सन को, नॉट यूज एनी आर्टिकल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है इसमें मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, ऑब्वियसली उसको क्या करना है, अपनी पर्सनल हाइजीन को क्या करना है, मेंटेन करना है, अगर नहीं करेगा तो इन्फेक्शन क्या होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। एंड गाइस, उसको एक और चीज करनी है, अवॉइड द क्राउडिंग, बहुत ज्यादा क्राउड प्लेस पे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि क्राउड प्लेस पे उसका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, इम्यूनिटी उसकी ऑलरेडी वीक है तो इन्फेक्शन क्या है और बढ़ जाएगा, अवॉइड क्राउडिंग। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, सो गाइस इसमें दो चीजें, एंटीबायोटिक और सल्फेनोअमाइड्स आप इसमें यूज कर सकते हो, ट्रीटमेंट सल्फोनामाइड्स, सेकेंड थिंग इज द एंटीबायोटिक्स। सो गाइस, ये क्या था टोटल ट्रीटमेंट इसका, प्रिवेंशन में हमने आइसोलेट कर दिया केसेस को, इन स्कूल और इंस्टीट्यूट में प्रॉपर क्या होनी चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए, नॉट यूज एनी आर्टिकल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड अवॉइड द क्राउडिंग। नाउ गाइस, हम सरफेस इन्फेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेप्रोसी के बारे में। सो गाइस, लास्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे सरफेस इन्फेक्शन की, दैट इज द
लेप्रोसी, लेप्रोसी जिस सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट प्लेग, फ्लेरियासिस एंड रेबीज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. बाय बाय.